डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सुविधाएं और अपॉर्चुनिटीज लेके आ रही है। देखते ही देखते चैट जीपीटी एवं अन्य क्रिएटिव एप्स की सफलता के पश्चात इनका दुरुपयोग भी शुरू हो गया है। पिछले कुछ दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा जनरेटेड वॉइस एवं ऑडियो एप्स का दुरुपयोग करके लोगों से उनकी पर्सनल सेंसिटिव और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चोरी करने की स्टोरीज भी सामने आ रही हैं। ये एक बहुत सीरियस टॉपिक है जिससे कई लाखों और करोड़ों लोगों का, कई अरबों की संपत्ति का नुकसान हो सकता है। आइए जानिए कैसे हम और आप एक दूसरे को इस थ्रेट से बचा सकते हैं। अपने आप को AI जनरेटेड कंटेंट से जुड़े खतरों के बारे में जागरूक बनाइए। कभी भी किसी भी वॉइस या वीडियो कॉल पर या ऑडियो रिकॉर्डिंग पर उसे वेरीफाई करे बगैर ना विश्वास करिए और ना ही किसी से कोई भी पर्सनल या सेंसिटिव जानकारी जैसे कि आपका पता, आधार कार्ड का नंबर या कोई भी बैंक से जुड़ी जानकारी शेयर करिए। किसी भी प्रकार की पर्सनल या फाइनेंशियल जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट ना करें। अपने हर अकाउंट के लिए मजबूत, अलग अलग और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स का इस्तेमाल करिए एवं नियमित रूप से अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स की जांच करते रहिए। जहां भी हो सके टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करिए, इससे आपकी सुरक्षा का स्तर और भी बढ़ जाता है। अपने सभी डिवाइसेस पे भरोसेमंद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करिए, उसे नियमित रूप से अपडेट करिए एवं संदिग्ध लिंक्स और डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड या एक्सेस करने से बचिए। अगर आप AI जनरेटेड कंटेंट से रिलेटेड किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को एक्सपीरियंस करते हैं तो उसे तुरंत ही रेलेवेंट अथॉरिटीज को या प्लेटफॉर्म्स को रिपोर्ट करिए। समय पर रिपोर्ट करने से ऐसे किसी भी स्कैम से बचा जा सकता है और दूसरों को भी बचाया जा सकता है। अपनी जागरूकता बढ़ाकर और मजबूत सुरक्षा अभियानों को अपनाते हुए हम AI जनरेटेड स्कैम्स और डिजिटल स्कैम्स से बच सकते हैं। याद रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।